से 1 लाख का बैग उड़ाने वाला पकड़ा गया। दमोह सीसीटीवी फुटेज के जरिए बड़े बड़े घटनाक्रमों का पर्दाफाश अब तक बड़े शहरों में होता रहा, परंतु अब छोटे गांव स्तर के कस्बों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाकर ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई जागरूकता चोरी उठाई गिरी करने वालों के लिए भारी पड़ते नजर आ रही है। ऐसे ही कुछ हालातों के चलते दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर स्थित अभाना गाँव में कार से 1 लाख रुपए और मोबाइल उड़ाने वाले शख्स की पुलिस ने धुंधले सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद शिनाख्त करके उसे कब्जे से 1 लाख रुपए मोबाइल सहित अन्य सामग्री बरामद कर ली है। नोएडा थाने के अंतर्गत अभाना में 17 दिसंबर की रात करीब 8 बजे कार क्रमांक MP20CG5089 में सीट पर रखे बैग को किसी अज्ञात तत्व ने पार कर दिया था, जिस पर 18 दिसंबर को बेनी प्रसाद विश्वकर्मा निवासी खमरिया ने नोएडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि बैंक में 1 लाख रुपए नकद तथा स्पाइस कंपनी का मोबाइल चश्मा आदि रखा हुआ था। काले कलर के इस बैग की पतासाजी के लिए नोएडा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर छानबीन कर कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला तो उसमें कार से बैग उठाकर ले जाते हुए चोर की तस्वीर नजर आई, परंतु ये तस्वीर धुंधली होने की वजह से पुलिस को चोर तक पहुंचने में खासी मशक्कत करना पड़ा। सीसीटीवी में कैद आरोपी के हुलिया के आधार पर अभाना निवासी विजय अहिरवार को पकड़कर जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए 1 लाख रुपए मोबाइल एवं चश्मा बरामद करा दिया। केसी पाली SDOP तेंदुखेड़ा के मार्गदर्शन में मनीष मिश्रा, नोएडा थाना प्रभारी AASI जगदीश तिवारी, आरक्षक मनीष यादव, सत्येंद्र दुबे, विजय तिवारी द्वारा 24 घंटे में आरोपी को पकड़े जाने के बाद इन्हें पुरस्कृत किए जाने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही। एसपी साहब के मार्गदर्शन में उनके निर्देश का पालन करते हुए अभाना में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे और सीसीटीवी कैमरे की और उपलब्धि प्लस हमारे थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने तत्काल एक्शन लिया और वहां पहुंचे, उसके फलस्वरूप इस चोरी में हम खुलासा हुआ, ठीक है ना। और इसमें फिर जैसे ही रिपोर्ट घनश्याम प्रसाद विश्वकर्मा जो पोस्ट मास्टर है तेंदुखेड़ा में, उन्होंने रिपोर्ट की कि उनका 1 लाख रुपए नकद और कुछ पैसे और मोबाइल सामान गाड़ी में रखा था, और तत्काल रिपोर्ट उन्होंने थाने में आकर मनीष मिश्रा को की, तो मनीष मिश्रा तत्काल एक्शन में आए और जगदीश तिवारी ASI और कांस्टेबल को लेकर तत्काल अभाना पहुंचे। वो अभाना में सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे उसके फुटेज को देखा उन्होंने, वो फुटेज को देख के एक अनुमान लगा लिया ये व्यक्ति फला फला हो सकता है। लोगों से पूछताछ की, उसे बताया साहब ये फुटेज जो व्यक्ति आया है